सिंध असेंबली किंडरगार्टन में तब्दील हो गई। अरकान एक दूसरे से बच्चों की तरह लड़ने लगे। डिप्टी स्पीकर ने नुसरत सहर अब्बासी को बेटा कहा तो उन्होंने शहला रजा को माँ जी का लकब दे दिया। डिप्टी स्पीकर ने मंजन के फवायद भी बताए। मैं रूलिंग दे रही हूँ बेटा, अब तो सीख लो कि मैं रूलिंग दे रही हूँ। अम्मी जान, काश अम्मी का आपको एहतराम करना अच्छा लगे। शाम का मंजन पूरा है। अम्मी जान जी बेटा, तमीज से बात करना। मैं बिल्कुल अम्मी तो तमीज से ही कह रही हूँ, अम्मी को तो तमीज से ही कहूंगी ना। जी बिल्कुल, शाबाश, और आइंदा भी ख्याल रखना। बहुत अच्छा अम्मी, थैंक यू बेटा जी। चलिए सवाल पूछिए। अम्मी मुझे टाइम दीजिएगा। जी सवाल के लिए जरूर टाइम मिलेगा। ना बोले प्लीज। मैं क्यों नहीं बोलूं भाई, मैं क्यों नहीं बोलूं? आपने अगर मुझे ये कहा ना कि मैं नहीं बोलूं, मैं आपको आउट कर दूंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि असेंबली का डेकोरम जो है ना वो बरकरार रखें। आपकी तरफ से इस तरह के जुमले निकल आए। मैं माफ कीजिएगा, मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठी हूँ कि आप मुझे क्रिटिसाइज करें। आप लोग सुबह से अपना रवैया देखिए, आपको सही करने के बजाय मुझे डिक्टेट कर रहे हैं। आप सवाल पूछे वरना तशरीफ रखें। अच्छी अच्छी बातें सिखाया करें, ये मंजन वंजन का बेचना, ये मंजन तो बहुत अच्छी चीज है। सुबह कर ले तो मुंह से बदबू नहीं आती। पुराने जमाने के लोग करते थे, अभी पेस्ट लाया है। मैं भी माशाल्लाह अहले ज़बान हूँ, बिल्कुल उसी तरह का जुमला दूंगी जवाब दे।